સ્વાગત છે. જીસસ કોલ્સ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Our dear brothers and sisters, I'm so happy to be with you all through this program. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ आकर. God is going to come very close to you through this program. और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपके बहुत ही निकट आ जाएगा. According to His promise. उसकी प्रतिज्ञा के कारण. Wherever two or three are gathered in My name, there am I in their midst. That's what He has promised. और उसने प्रतिज्ञा की है कि जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाऊँगा. If He comes very close to us, what will happen? तो यदि वो हमारे एकदम निकट आ जाएगा तो क्या होगा? Shall we read Psalm 86 verse 11? O Lord, teach me your way. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 86 और 11वां पद. हे परमेश्वर, मुझे अपने मार्ग की शिक्षा दे. मैं तेरी सच्चाई पर चलूंगा. मेरे हृदय को एकाग्रचित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं. This blessing will come upon you. और ये आशीषें आप पर आ जाएंगी. The Lord will come very close to you as a father. और एक पिता के रूप में प्रभु आपके बहुत ही नजदीक आ जाएगा. And he will teach you his ways. और वो आपको अपने मार्ग सिखाएगा. And he will make you walk in his truth. और वो आपको अपनी सच्चाइयों पर चलाएगा. What a glorious life is going to be. और फिर कितना महिमा से भरा वो जीवन होगा. You are going to receive it. और आप उसे पाएंगे. Those who have these blessings in your life already. और वे लोग जिनके जीवन में पहले ही से आशीष है. He will take you more and more closer to him. तो वो और भी ज्यादा आपको अपने नजदीकी में ले चलेगा. We'll think about it and meditate about it later. और इसी बारे में हम सोचेंगे, मनन करेंगे कुछ देर बाद. Right now you watch testimony. और इस समय आइए गवाही को सुने. Then you hear the beautiful song. और तब उसके बाद एक बहुत ही सुंदर गीत आप सुनने वाले हैं. Praise the Lord. मेरा नाम एसएन बख्श है. मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, आनंद नगर रावतपुर विलेज की. और मैं कानपुर के इंटर कॉलेज ज्ञान भारती में पढ़ाती थी. अब मैं रिटायर हो गई हूँ. मैं जीसस कॉल से जुड़ी हुई हूँ. मैं उनका प्रोग्राम देखती हूँ और मैगज़ीन भी वहाँ से मेरी आती है. और अचानक मेरे पेट में एक दिन दर्द हो गया. और दर्द के बाद मैंने कुछ डॉक्टर को कंसर्न किया. उन्होंने पेट दर्द की रिलीफ की मुझे टैबलेट दिया और एडवाइस किया कि मैं अल्ट्रासाउंड कराऊँ. जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें राइट किडनी में स्टोन मेरे आया जो कि 2.5 mm का था. और फिर मैंने एक दिन प्रोग्राम में देख रही थी जीसस कॉल्स का, तो उनकी जो मिसेस इवेंजेलिन दिनाकरन है, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मरीजों के लिए प्रेयर कर रही थी. उसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि जिनको किडनी के में स्टोन है वो इसी समय यीशु के नाम से दूर हो जाए. Lord, take away the pain in their body right now. आप प्रभु जी वहाँ से और उनके शरीरों से हर एक दर्द को इसी समय दूर करें. Let the kidneys be healed. इसी समय किडनीज जो है वो ठीक हो जाएं. Let the stones come out of their body, Master. उनके शरीरों से जितने भी stones हैं प्रभु, वो सब निकल जाएं. Take it away, Lord. आप उसे दूर करें स्वामी. Crush it and let it come out in Jesus' name. आप उसे चकनाचूर कर दें और वो यीशु के नाम में निकल जाए. मैंने इस बात पे विश्वास किया क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है. और मैंने उसी समय सोच लिया कि मेरे किडनी में से स्टोन निकल गया. मैंने मेडिसिन की तरफ भी जितना लेना चाहिए उतना नहीं लिया. और आफ्टर वन मंथ मैंने अपना अल्ट्रासाउंड फिर से करवाया और उसमें बिल्कुल क्लियर आया. जो अल्ट्रासाउंड मेरा कर रहे थे उन डॉक्टर्स ने मुझसे कहा, क्या आपको फील हुआ कि आपके स्टोन निकल गया या कुछ दर्द हुआ या ब्लीडिंग हुआ? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन मैं जानती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे स्टोन से मुझको राहत दी. इसी तरह हर रोज पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग यीशु बुलाता है सेवकाई के विभिन्न पद्धतियों से, जैसे युवा सहभागी योजना, प्रार्थना भवन, प्रार्थना महोत्सव, परिवार आशीष योजना, टेलीविजन सेवकाई इत्यादि के द्वारा अपने जीवन में
परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें या हमारे प्रार्थना भवनों में संपर्क करें। और अगर आप कईयों के आंसुओं को पहुंचने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप अपनी दान राशियों को यीशु बुलाता है के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजा जी सलाई, चेन्नई 600001। इवांजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड दैट इज इन आइज़ाया 41:13। Our Lord says, I am the Lord your God who takes hold of your right hand. He says, do not fear. I will help you. आज हम यशया अध्याय 41 और वचन 13 इस वचन पर मनन करने वाले हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं ही तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हारा दाहिने हाथ थामे हुए तुम्हें लेकर चलता है। वो कहता है तुम भयभीत ना हो, तुम बिल्कुल ना डरो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। I will take hold of your right hand. मैं तुम्हारा दाहिना हाथ थाम कर I am here to help you, dear children. मेरी प्यारी संतानों, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए हूँ। And in verse 14 he says. और वचन 14 में वो कहता है। Never be afraid. तुम बिल्कुल कभी भयभीत न होना। Oh little Israel. हे छोटे से इज़राइल। Oh worm Jacob. हे छोटे से जेकब याकूब। I myself will help you. मैं स्वयं तुम्हारी मदद करूँगा। Our Lord says, "Don't depend on any man." हमारा प्रभु कहता है कि किसी मनुष्य पर आधारित न रहना। Don't put your trust on anything. किसी भी चीज पर भरोसा न रखना। I myself have to help you. मैं खुद ही तुम्हारी मदद करूँगा। Today, the Lord is going to do wonders among us. आज के दिन परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत काम करेगा। David says in Psalm 46:1. दाऊद भजन संहिता 46 वचन 1 में ये कहता है। My God is my refuge and strength. मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। He is a very present help in times of trouble.
वो मेरा गढ़ और मेरा बल है और परेशानी के समय मेरी मदद करता है। Today he is a very present help. आज के दिन वो बिल्कुल उपस्थित ऐसी मदद है। David all the time says. दाऊद हमेशा ये कहता है। Lord, I am poor and needy. हे प्रभु, मैं तो गरीब और जरूरतमंद हूँ। But still you are thinking about me, Lord. लेकिन फिर भी तू मेरे बारे में सोचता है मेरे प्रभु। You are my help. तू ही तो मेरी मदद है। You are my help. तू ही मेरी मदद है। You are my deliverer, Lord. तू ही मेरा छुड़ाने वाला है प्रभु। Let us also say all the time sitting here, Lord, you are my help. आइए हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं हमेशा बस यही करते रहे, यही कहते रहे, प्रभु तू ही तो मेरी मदद। Shall we now say, Lord, you are my help. आइए इस समय हम परमेश्वर को पुकार कर कहते हैं, हे प्रभु तू ही तो मेरी मदद है जो मुझे मिलती है। Amen. Amen. Today, the deliverance is coming upon you, dear friend. आज के दिन मेरे प्यारे दोस्तों आप छुटकारा पा रहे हैं। David also says in Psalm 116:6. भजन संहिता 116 वचन 6 में दाऊद ये भी कहता है। When I was brought low, he helped me. जब मैं बहुत ही नीचे लाया गया उस समय उसने मेरी मदद की। That is the time the Lord comes and helps us. और वही तो समय जब प्रभु आकर हमारी मदद करता है। You might have gone through so much. आप शायद बहुत सी परेशानियों में से होकर गए हैं। And said, Lord, it is enough. और शायद आपने कहा, प्रभु अब ये काफी हुआ। In Tamil it says, I have gone so thin, but the Lord helps me. तमिल में कहावत है, मैं तो इतनी मुश्किलों में से होकर गया हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे संग रहा है। I have become so lean. मैं इतना दुबला हो चुका हूँ। Crying and crying and crying to Jesus. यीशु को बस पुकारते 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 हुए। Shedding all my tears. अपने सारे आंसू बहा दिए। But then the Lord helped me. लेकिन फिर प्रभु ने मेरी मदद की है। There is a process for us to go through. हमारे लिए यही तो एक क्रिया है जिसमें से हमें होकर जाना है। When I was praying for a promise for God to give me this year. जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि इस साल परमेश्वर मुझे कोई वादे का वचन दे। The Lord gave me a beautiful verse. परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर वचन दिया। That is in Job 23:10. और वो है अय्यूब 23 वचन 10 में। After the Lord has tried me, I will come forth as gold. जब परमेश्वर मुझे परखेगा उसके बाद मैं सोने का सा निखर कर आऊंगा। After the Lord has tested me, I will come forth as gold. परमेश्वर जब मुझे परखेगा उसके बाद मैं सोने का सा निखर कर आऊंगा। This year you are going to become gold. इस साल निश्चय ही आप सोने के समान बिल्कुल निखर कर आएंगे। You will shine as gold. आप सोने के समान चमक उठेंगे। All these years you have been crying, crying and crying. इतने सालों से तो आप बस रोते रोते आए हैं। But today the deliverance is coming. लेकिन आज के दिन छुटकारा आएगा। You will see the deliverance. आप छुटकारा देखेंगे। Dear friends, when Peter saw Jesus walking on the water. जब पत्रस ने देखा कि यीशु पानी पर चल रहा है। In Matthew 14:29-31 we can see this. मत्ती अध्याय 14:29 से लेकर और कुछ अगले वचन में हम इसे देखते हैं। When he saw Jesus walking on the water, he also wanted to walk on the water. उसने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा और वो भी खुद पानी पर चलने की मनसा करने लगा। He asked Jesus. उसने यीशु से पूछा, Lord, I want to walk on water. प्रभु, मैं तो पानी पर चलना चाहता हूँ। And Jesus encouraged him. यीशु ने उसे प्रोत्साहित किया। And he said, Come, Peter. उसने कहा, आ पत्रस। Come to me. मेरे पास आ। I will help you to walk on the water. पानी पर चलने में मैं तेरी मदद करूंगा। Peter was so happy. पत्रस बहुत ही खुश हो गया। He stepped on from the boat. वो उस नाव पर से आगे बढ़ा। And he did walk on the water. और वो पानी पर चलने लगा। Making for Jesus. यीशु के साथ।
He came near to Jesus. वो यीशु के पास आया. But then, when he saw the fury of the wind, लेकिन जब उसने जोर से बहती हुई उन हवाओं को देखा, he panicked. तो वो डर गया. And he began to sink. और फिर वो डूबने लगा. He was almost drowned. वो लगभग डूब ही गया था. And called out to Jesus, Jesus, save me, Jesus. उसने यीशु को पुकारा, यीशु तू मुझे बचा ले. Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु. And immediately the Lord's right hand took Peter. और तुरंत ही यीशु ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया. And he made him walk on the water. और फिर से उसने पानी पर वापस चलाया. Jesus reached out his right hand. यीशु ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया. He caught Peter. उसने पतरस को पकड़ा. When they climbed on the boat. और जब वो नाव के ऊपर में चढ़ा. The wind totally died out. वो जो हवा थी पूरी तरह से थम गई. And everybody on the boat they said, Jesus, you are God. और नाव पर सवार सभी लोगों ने कहा, यीशु तू तो परमेश्वर है. You're really a God. तू तो सच में परमेश्वर है. Dear friends, you are also going to say this today. मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन आप यही तो कहने वाले हैं. Lord, you are the real God. हे परमेश्वर, तू ही सच्चा परमेश्वर है. Thank you for doing this miracle for me, Lord. मेरे लिए ये चमत्कार करने के लिए तेरा धन्यवाद. Today Jesus' right hand will come up on you and he will catch you today. आज के दिन यीशु का दाहिना हाथ आपके ऊपर में आएगा और निश्चय ही वो आपको थाम लेगा, उठा लेगा. Hallelujah. Hallelujah. Not only that, he will help you, dear friend. केवल इतना ही नहीं, वो आपकी मदद करेगा मेरे प्यारे दोस्तों. Today let us also cry out to the Lord. आइए आज हम परमेश्वर को पुकार उठे. Asking for God's help. परमेश्वर से हम मदद मांगे. Shall we all stand up wherever we are? आइए हम जहाँ भी हैं उस जगह पर खड़े हो जाए. Shall we all cry out to God? आइए सब हम परमेश्वर को पुकार. Wherever you are. चाहे आप जहाँ भी हैं. Will you please stand up and cry out to God? क्या आप कृपया खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे? The Lord's right hand will come upon you. परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर आएगा. His righteous right hand will come upon you. उसका धर्ममय दाहिना हाथ आप पर आएगा. Come on, lift up your voice and praise God. आइए अपनी आवाज उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें. Don't be silent. आप चुपचाप न बैठें. This is the time of your deliverance. यही आपके छुटकारे का समय है. Our Lord says everything is possible. हमारा प्रभु कहता है कि सब कुछ संभव है. If you believe. अगर आप विश्वास करें. If you believe. अगर आप विश्वास करें. It is happening right now. तो निश्चय यह भी हो रहा है. The miracle is happening right now. वो चमत्कार अभी हो रहा है. The Lord is delivering you right now. परमेश्वर अभी आपको छुटकारा दे रहा है. You evil spirit, I command you to come out of the bodies of the people. दुष्ट आत्माएं, मैं तुम्हें अभी आज्ञा देती हूँ कि इसी समय इन लोगों के शरीर से बाहर आ जा. Come out. बाहर आए. Come out in Jesus name. यीशु के नाम में बाहर आए. No more affliction. अभी और कोई क्लेश नहीं. No more tears. अभी और कोई आंसू नहीं. Come out, you evil spirits. आत्माएं अभी बाहर निकल आए. And Lord, deliver them, Lord. और प्रभु तो इन्हें छुटकारा दे. Deliver them, Lord, right now. अभी इसी समय छुटकारा दे. Out of all their problems. इनकी सारी समस्याओं में से. You problems, come out in from their life. और प्रभु ये सारी समस्याएं इनके जीवन से निकल जाए. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you for your help, Lord Father. प्रिता पिता, तेरी मदद के लिए धन्यवाद. For your very present help, Lord. प्रभु, तेरी उपस्थिति की जो मदद होती है, जो हमेशा साथ होती है. The mighty hand of God is here. प्रभु, तेरा सामर्थी हाथ यहाँ पर है. The miracles are happening all over this place. चमत्कार इस पूरी जगह पर हो रहे हैं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Come on, rejoice. आइए आनंद मनाएं.
Clap your hands and rejoice. ताली बजाकर आनंद मनाएं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Fill your people with your power. प्रभु अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर दे. With the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Where the Spirit of the Lord is, there is deliverance. जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है. Mighty God. सामर्थ्य परमेश्वर. Mighty God. सामर्थ्य परमेश्वर. Fill them with your mighty power. प्रभु इन लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर दे. Be with them like a mighty warrior. एक महान योद्धा के रूप में इनके संग संग रहे. Enter into their hearts. इनके दिल में प्रवेश कर. Enter into their hearts. इनके दिल में प्रवेश कर. Enter into little hearts. इनके छोटे छोटे दिलों में प्रवेश कर. Fill them with your power, Lord. इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे. Come on, open your mouth. आइए अपने मुंह को खोले. And praise God. और परमेश्वर की स्तुति करें. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. The Lord is filling you with the joy of the Holy Spirit. परमेश्वर आपको तो पवित्र आत्मा के आनंद से भर रहा है. Joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आनंद से. When He comes into your heart. जब वो आपके दिल में आता है. He can help you in everything. वो हर एक चीज में आपकी मदद कर सकता है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Come into the heart of young people. प्रभु तू जवान लोगों के दिल में आ. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. For the mighty power. प्रभु तेरे पास महान सामर्थ्य है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Fill everyone here, Lord. यहाँ पर हर एक व्यक्ति को तू भर दे. Not even one should be left out. इनमें से एक व्यक्ति भी खाली हाथ वापस न जाए. Father, we need you, Lord. हे पिता, हमें तेरी मदद की हमें तेरी जरूरत है. Your people need you, Master. तेरे लोगों को तेरी जरूरत है, स्वामी. Come into their heart. इन लोगों के दिल में आ. Come into their heart. इन लोगों के दिल में आ. And bless them today, Lord. और आज इन्हें तू आशीष दे, प्रभु. Help them today, Lord. आज इन्हें इनकी तू मदद कर, प्रभु. Let them see Jesus. In their hearts. प्रभु ये लोग अपने दिल में यीशु को देखने वाले हो. More like Jesus. और ज्यादा यीशु के समान. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Lord, let them leave all the bad habits. प्रभु ये लोग अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दे. All the bad habits are leaving you right now. सारी बुरी आदतें अभी इसी समय इनसे दूर हो रही है. Without your knowledge, आपके ज्ञान के बिना, the Lord is cleansing your heart. प्रभु आपके दिल को साफ कर रहा है. You are becoming a holy people to God. आप परमेश्वर के लिए पवित्र व्यक्ति बन रहे हैं. Holy people to God. परमेश्वर के लिए आप पवित्र हो रहे हैं. Say thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. The Lord has helped us. परमेश्वर ने हमारी मदद की है. The Ebenezer has helped us. उस Ebenezer ने हमारी मदद की है. He is coming with you, dear friends. प्यारे दोस्तों, वो आपके संग संग चलता है. And you will prosper. और निश्चय ही आप संपन्न होंगे. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.